डॉग्स बहुत सोच समझ कर एडॉप्ट करना चाहिए, वरना बहुत से लोग बाद में परेशान होकर डॉग्स को छोड़ देते हैं। शायद उन लोगों के लिए डॉग्स एक सिंपल पेट होगा, पर उन डॉग्स के लिए उसका ओनर उसका फैमिली है। इसलिए अगर आपको फैमिली डॉग चाहिए तो 3 खास डॉग्स का आइडिया हमारे पास है। चलिए इन डॉग्स के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। नंबर 3, बिगल डॉग। ये डॉग्स छोटे साइज के होते हैं, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ता, घर छोटा भी हो तो भी ये एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा फन लविंग और सबके साथ घुलना मिलना पसंद करता है। बहुत लाउडली ये भौंकता है। बिगल बहुत हेल्दी डॉग ब्रीड होता है, नए नए दोस्त बनाना इसे बहुत पसंद है। नंबर 2, गोल्डन रिट्रीवर डॉग। ये डॉग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, घर के बड़े बुजुर्ग का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है। बहुत जल्दी ये डॉग ट्रेंड हो जाता है। ज्यादा फैमिली मेंबर्स और छोटे बच्चे ये डॉग बहुत पसंद करता है। फन लविंग है ये, हमेशा एक्टिव रहता है, अपने फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होता है। कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इन डॉग्स को हो जाता है, इस वजह से प्रॉपर वैक्सीनेशन और केयर के इस डॉग्स को बहुत जरूरत होता है। नंबर 1 पे आता है लैब्राडोर रिट्रीवर। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो भी टेंशन फ्री होकर आप लैब्राडोर को एडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही शांत नेचर के डॉग है, छोटे बच्चों के साथ बहुत जल्द ही घुल मिल सकता है। प्यार पाना और प्यार देना इस डॉग से सीखना चाहिए। ग्रेट टेम्परमेंट के लिए ये डॉग जाना जाता है। बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है ये डॉग, इसीलिए रेस्क्यू मिशन या फिर हंटिंग में भी लैब्राडोर को कई बार लिया जाता है। अब ये 3 ऑप्शन हमारे पास है, आपको कौन सा पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताना। डॉग्स कोई भी हो, ट्रेनिंग से सब फैमिलियर बन सकता है, बस उसे एक पेट की तरह नहीं एक फैमिली मेंबर की तरह सोचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को बहुत बहुत शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी को बजाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।